नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग MP पटवारी एग्जाम के लिए कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे जो कि MP पटवारी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसमें 3 वर्ष का दिया जा रहा है, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग 3 बार 5000 का 10% 3 बार निकाल लेंगे। तो दोस्तों, 5000 का 10% फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 500 का 50 रुपये। इसी प्रकार 50 का 10% निकालेंगे तो थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 5 रुपये। अब दोस्तों, एक ट्रिक होती है इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए। जब भी 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो अनुपात में हम लोग लिख लेंगे 3:3:1। अब दोस्तों, हम लोग ये जो 3 रेशियो आया, ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। अब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई पहले वर्ष के लिए जो आया था चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 500, फिर इसी के लिए, फिर इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर प्लस 3 × 50 सेकेंड वर्ष के लिए, प्लस 1 × 5 ये थर्ड ईयर के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस 5, तो इसका जो CI आ जाएगा हमारा 1655 रुपये, ये हमें जोड़ने पर आ गया। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क पर रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए व बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए जो है उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो सबसे पहले जो हमें डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ए प्लस बी जो दोस्तों कर रहा है काम, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में। अब दोस्तों, हम लोग 10 और 30 का LCM निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये जो 30 आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, पूरा मतलब टोटल काम। तो अब हम लोग दोस्तों ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, तो हम लोग 10 का डिवाइड करेंगे 30 में, तो वनडे वर्क कितना आ जाएगा? 3 ए प्लस बी का। इसी प्रकार हम लोग 30 का डिवाइड करेंगे 30 में, तो बी का 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 1। तो दोस्तों, ये वनडे का वर्क आ गया, ए प्लस बी का वनडे का वर्क 3 और बी का वनडे वर्क आ जाएगा +1। तो हमें टोटल दोस्तों दिया है कि ए प्लस बी इसकल टू क्या दिया है? 3, ये वनडे वर्क हो गया। तो ए प्लस बी का हम लोग वनडे वर्क लिख देंगे 1, तो इसकल टू 3 हो जाएगा। तो ए इसकल टू हो जाएगा 3 - 1, तो ए का वनडे का वर्क कितना आ जाएगा? 2। अब दोस्तों, इसमें काम पूछा जा रहा है कि एक उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों, टोटल वर्क में हम लोग वनडे का वर्क डिवाइड कर देंगे तो 30/2, तो कितना आ जाएगा? 15 डेज। तो ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो LCM से रिलेटेड है। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि 3×4×20 का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3×4×20 का वो LCM निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 4×4×3×5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोगों ने लासा निकाला, तो इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60, यही हमारा LCM हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एलजेब्रा से रिलेटेड है। तो दिया हुआ है 2 + 2 ( -2 + 2 ( 2 + 2 ( -2 इसकल टू दिया हुआ है x, तो हमें x का मान निकालना है। तो 2+ हो जाएगा 2 + 1/2 ( 2, जब घात नीचे जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, +4 ( 2 ) कितना होता है? 4। फिर इसी प्रकार लिख देंगे 1 + 2 ( 2 इसकल टू x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1/4 + 4 + 1/4 इसकल टू x। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, और ये 1 + 4 और 1 + 4 कितना हो जाएगा? 1 अपान 4 कितना हो जाएगा? 1/2। तो 6 + 1/2 इसकल टू x है, तो x का मान कितना करेंगे? तो इन दोनों का LCM निकाल लेंगे दोस्तों, हम लोग इन दोनों का LCM निकाल लेंगे। तो 6 + 1/2 का LCM कितना हो जाएगा? 13/2, तो x का मान आ गया हमारा 13/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ।
तो दोस्तों अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सीपी को मतलब कॉस्ट प्राइस या कह सकते हैं क्रैमल को हमेशा 100 मानते हैं, और जब दोस्तों बट्टा दिया हुआ हो छूट तो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य को भी 100% मानते हैं। तो एमआरपी हमारा 100 हो गया, तो दोस्तों 100 का हम लोग 14% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 14। ओके फ्रेंड, तो ये हमें 14% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जब भी हम लोग अगर एमआरपी से अगर हम लोग अंकित मूल्य में जो छूट दी होती है उसको घटा दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमआरपी 100 है तो 14% की छूट दे रहा है, तो 100 - 14 इसकल टू क्या हो जाएगा 86। तो जो 86 आया वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। तो हमें दोस्तों पता है कि 86% की वैल्यू कितनी दी हुई है 387 रुपये, 387 रुपये में बेच दिया जाता है। तो 86% इसकल टू 387। अब पूछ रहे वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, तो 100% की वैल्यू पूछ रहे, तो 100% इसकल टू हम लोग एक्स मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स इसकल टू 387 × 100/86। इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 450, मतलब 450 रुपये अंकित मूल आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में कुछ और एमपी पटवारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे और जीके के क्वेश्चन करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, सभी जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं मैं आपके लिए कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।